हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सुषमा यादव व्लॉग। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है भाई शाम के 3 बजे से। सुबह बस ऐसे काम कर रहे थे तो रोज़ सेम चीज़ दिखाते तो आप लोग बोर हो जाते। और यहाँ पे मेरे बच्चे आ चुके थे, मैंने सोचा पहले मिस्त्री को भी चाय दे देती हूँ, मैं भी पी लेती हूँ। और मम्मी भी अभी आने ही वाली है, और मम्मी को आज कहीं पर जाना है वो आपको व्लॉग में लास्ट में पता चल जाएगा कहाँ पर जाएंगी। और अभी मैं बस अभी नहा के जस्ट और बहुत सारे कपड़े वपड़े धोए, क्योंकि अभी कुछ रह रहे ऐसे पर्दे वगैरह, बेडशीट वगैरह, ऐसे पेंट वेंट के काम में आपको पता है कितना सारा काम बिखर जाता है, तो सारा धीरे धीरे सिमट रहा है। बट हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि इतना सारा काम हो जाता है ना एकदम से, कितना भी साफ सुथरा कर लो फिर से वैसा ही वैसा सब कुछ होता है। जब तक पेंटर्स नहीं चले जाएंगे तब तक ये सॉन्ग चलता रहेगा। ठीक है, तो फटाफट से हमारी चाय हो गई रेडी और मम्मी को जाना है, तो मम्मी कह रही कि चलो जल्दी से पी लेते हैं, लेके आ जा बेटा। और तो ये हम मैंने रख लिया अपनी और सबकी चाय, मिस्त्रियों को बच्चे दे देंगे और मैं और मम्मी पी। मम्मी जाएगी शॉपिंग करना है ना, अभी इसने किचन में रख दे बेटा, किचन में रख दे अंदर, जाएगी शॉपिंग उनके लेकर आएगी, किस लिए लेकर आएगी वो जो आज जाएगी जल्दी ना। कौन सो आप वाली के कह रहा है क्या सोचिए? अच्छा हाँ, कट भी ली बात हो रहा है। हाँ, और पापा तो पूछ के लेनी थी, पहले दिखाते ना कि और नहीं पता है। पेंट में भी क्रीम, कपड़ा में भी क्रीम, खुद भी सारा दिन व्हाइट ही व्हाइट बुगला सुर दिखे। हमने पितर बना होगा ना सफेद सफेद क्रीम पहरा के। अच्छा, पापा मतलब आप नु चाहो कि मैं आज भी जवान दिखूं, पापा नु कहे कि तू बुढ़ी आ तो बुढ़ी ही रह मेरे तरी आ। अब ना एक एक सूट दो तीन सूट सी वाले रोज रिपीट कर गए इन पैर, पापा कहना ही होया साफ सीधा शब्द। अच्छा मतलब सिंपल कति सिंपल पैर है। हाँ अच्छा, पॉपकॉर्न अब छोरिया छोरिया वालू प्रिंट पैर कह रहा आप लोग कह रहे वो सिंपल है ये जो ऊपर से बंदी पहन रहे हैं ना। हाँ हाँ जबी दो जबी तो मैं आप तक हूँ अपना एक लिया करूँ, पापा दिखा के पर अच्छे लिया करूँ, और रात ही पहले दिखा दिया करूँ यो लिया यू प्राणना तो आपको पसंद है तो मैं सिलवाऊ, और नहीं तो मैं उल्टो दियाऊ क्यों बिना काम ने। ठीक है भाई, चाय तैयार है, बालक भी बाहर बैठा है, और ये मेरे बेटा ने कल छोड़ दिया ना, तो अब छोड़ के मैं ही खाऊंगी, इन्हें जो भी खराब चीज बचे घर में मैं ही यूज करूंगी। मगर मम्मा ये कच्चे हैं, कहा था कच्चा है ये सारा तो सीख रहा है, बस हल्का थोड़ा बहुत वो है मुड़े मुड़े सा इसलिए उड़ो। तो लिए यो फिर लेकर आओगे जब देखांगे क्या होगा। पापा जा रहे हैं ना, तो मैं जा रहा हूं। ओहो, ये कौन आ गए भाई? पीले 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 आ गए। अपन निकल जा, अरे चाय पी के जा। अरे हम कह रहा हूं बैठ रहे है, अब लेट अपन निकल जा। आ गए देवा चले दो पापा दे। हां तो पापा दे, पापा 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 है तुझे कह दे नू फोन, आप फोन कर दो मैं मारे से जाऊंगा। प्लेट लिया हम आने का चक्कर मत रहे करो सार दिन लिया जा। क्यों खा रहे हो अब? वो ही ठंडी मैट पे मत गिर दियो। गई बस इतनी जल्दी ठंडी होगी और क्या। आप बताओ आपके स्कूल में आज कैसा रहा प्रोग्राम, था क्या रहा? मस्त नाचे? बहुत नाचा मैं तो। अच्छा।
अच्छा आज ही लिए थोगे? हाँ आज तो लियो है। पापा कह रहे थे कि खाई करो विचार डोन लग गो। ठीक है तो हम तो ले जाऊंगा ही मरते। प्रसाद भी आए थे उनका थे भाई साहब वर्गा थे उनका थे दुकान वाला भाई साहब कहते हैं ऊपर ही रखे हो। लो भाई हाँ वो सामान तो सभी को ला भाई। अच्छा एक मिनट खोल खोल के दिखाओ। हाँ सही बैग कर दे बेटा खोल मुझे दे। अरे यहाँ मैं गया था देखे अपने लाभ तो अपना आया खोल अपना पकड़ो। हाँ यार इस बार देखा अपने। अच्छा यार कोई जाती है देखो। अच्छा सही है 300 रुपये में। हाँ अरे यहाँ मैं अपने से खोल ओके केस के लिए आके ले जाऊँगा। हाँ सही है 3000 में है ये सारी चीज़ें। ये बताइए है ना अलावा 1300 और 800 और 800 कितना होगा? 100 कम 3 ही होगा है ना। ड्रम की बोनस 100 रुपये उठाना 3 का 3 मानतान करवा लिया सारे ना। फिर जाऊँ जब ले आऊँगा थोड़े थोड़े ना देखा खोल के दिखाओ एक बार फिर बना दे। मेरे तो बुखार चढ़े ही चढ़ा आज। दवाई मिल जाए तुम्हें दवाई ले आऊँ फूल फूल दिया। हाँ आ रही हूँ ये दिखाओ फल को दिखाओ। ये पसंद आते हैं ये ऐसा लगा कैसे करना है बस अनुक का कहीं फोल्ड कर दो। ये वाला कपड़ा अभी बताओ कौन कौन से बताओ। यह तो पूजा साड़ी हाँ लाचो आए ना लाचो है ना यह साड़ी जीजी की और यह पूजा की यह रखा के अच्छा माओ की मतलब पेटी कोट कमी लुगड़ी की यह तो अच्छा ये अपने नाम का सूट है और एक कुप्पा सूट है और ये अपने ससुरा का हाँ। और इतनी सारी शॉपिंग किस लिए हो रही है वाह और बताओ के ये तो के प्रोग्राम है वो है वो जागरण मैया का बंजारा कढ़ाई मतलब कढ़ाई अरे कढ़ाई है जी जी के इसलिए हाँ, उनकी शॉपिंग हो रही है तो मेरे भतीजे का ब्याह है उनके। हाँ ये तो उनका अपना खुद का ठीक है यही पार्टी थी वो दूसरी ना पार्टी ब्लाउज ने और ठीक है तो ये सारे कपड़े चुनरी हाँ ये लाचा अभी आएगा तब। हाँ अच्छी है अच्छी है। हाँ ठीक है इसका पी वो लाचा भी आया नहीं सिल के जब आ जाएगा तो वो भी दिखा देंगे। तो ये सारा तो जीजी का सामान है जो जाएगा उनके घर पे। कब की है कढ़ाई कब की है मम्मी कढ़ाई कब की है मंगल की अच्छा मंगल की कढ़ाई है और सोमवार का जागरण है ठीक है। तो ठीक है तो ये थी इसलिए शॉपिंग करने गई थी मम्मी वहाँ पे ना है चाचा ना
पापा की माफ होगी। तो ये इसलिए शॉपिंग कर रही थी। और भाई और गए तो और भी कुछ बताना तो बताना तो बताना। चलो भाई अब हो गया था शाम का टाइम और मिस्त्री तो जा चुके थे, तो हमने सोचा चलो खाना बना लेते हैं। तो खाना वही, बेशक हमने व्रत नहीं रखा है बट व्रत का ही बनता है रोज, क्योंकि जैसे मम्मी का बनता है ना तो फिर बच्चे भी जिद करते हैं, तो फिर मैं भी अपना वही बना। तो आज मैंने बनाई है सबके लिए आलू और कुट्टू के चून की कचौरी, जो आपको दिख रही होगी सामने प्लेट में रखी हुई, काफ़ी अच्छी टेस्टी बनती है। इसको आप धनिया की चटनी के साथ और दही के साथ भी खा सकते हो, साथ में आप अगर आलू की पतली सी सब्जी बना के खाओ तो उसके साथ भी खा सकते हो, अच्छा पेट भर जाता है और टेस्टी भी लगती है। और यहाँ पे मैं कचौरियों को देसी घी में तल रही हूँ, ठीक है। मम्मी कर रही थी अपनी जोत और अभी बस कचौरियाँ बनी जाएंगी बट और वो सब्जी बनानी अभी बाकी है, तो सब्जी भी हम इसके बाद बना देंगे। आलू वगैरह सब बॉईल किए हुए थे मम्मी ने पहले से, ठीक है। तो मम्मी बोली कि आज चलो देखो कितनी फुली फुली बन रही है, तेरे को बनाना सिखाती हूँ, बट मेरे को आती है ऑलरेडी बनानी, तो फिर इसलिए मैंने बना के दिखाई मम्मी को कि देखो मुझे भी आती है। तो आज ये वाली कचौरियाँ बनाई है मैंने, तो दिखने में कैसी लग रही है, यम्मी लग रही है कि नहीं, और देखो शक्ल वाइज भी कितनी सुंदर लग रही है ना। तो इसलिए खाना हमारा ये था आज का। चलो अभी मिलते हैं बाद में। है एवरीवन, तो चलो भाई अभी हो गया है रात का टाइम और आ गया है सोने का नंबर, तो काम भी सारा हो चुका है, बच्चे बस बाहर बैठे हैं, उनको बुला लेते हैं अभी और चलो सो जाते। और सारा दिन इतना बिजी निकलता है ना पूरा दिन, बस पूछो ही मत, मतलब कुछ हो भी नहीं पाता और मतलब टाइम भी नहीं लगता, सारा दिन ऐसे निकल जाता। अभी देखो कब फ्री होंगे, बहुत दिन हो गए इनको लगे लगे और बिल्कुल बोर हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा बोर हो गए, ठीक है। तो चलो अब इस वाले व्लॉग को यही ऐड कर रहे हैं, सारे सारे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, चैनल पर नए हो तो भी पुराने हो तो भी बेल आइकन प्रेस कर देना। बाकी मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में, ये वाला व्लॉग भी आप इंजॉय करना और खूब सारे कमेंट करना।